हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब फिर मैं एक बार रिएक्शन करने जा रहा हूँ खुशबू पांडे शॉकिंग कमेंट ऑन कुरान रिएक्शन वीडियो है ये जाकिर नायक। इसके बारे में लास्ट में आपसे बात करेंगे, इसी वीडियो के बारे में डॉक्टर जाकिर नायक भी इस वीडियो के अंदर आएंगे लास्ट में और आपसे बताएंगे कि खुशबू पांडे ने क्या बोला है और उसके ऊपर उनकी क्या राय है। इस वीडियो के अंदर आप कंप्लीट देखोगे। खुशबू पांडे, हमने लास्ट टाइम रिएक्शन किया था खुशबू पांडे की वीडियो पे, उसके अंदर उसने कुरान पे और इस्लाम पे और मुस्लिम्स पे अगेंस्ट ब्लेम किया था, दोबारा ब्लेम्स लगाए थे। जो इल्ज़ाम लगाए थे वो बिल्कुल सरासर गलत लग रहे थे मुझे, इसीलिए मैंने वो वीडियो रिएक्शन किया था। और इस वाली वीडियो के अंदर भी खुशबू पांडे के हम शॉकिंग कमेंट सुनेंगे कुरान के ऊपर और मुस्लिम्स के ऊपर, इसने इन्होंने क्या बोला है, क्योंकि ये बहुत ही भड़काऊ भाषण बोलती है या फिर बहुत ही भड़कीले बातें बोल देती है कभी कभी, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि मैंने ज़्यादा इनको सुना नहीं है ना ही देखा है। इस तरह की चीज़ों से वैसे भी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए लोगों को, क्योंकि जो भड़काऊ भाषण अगर कोई भी है, वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है, अगर वो भड़का रहा है या दंगे फसाद करवा रहा है तो उनसे दूर ही रहना चाहिए, उनकी चीज़ों को नोटिस नहीं करना चाहिए, उसको नहीं देखना चाहिए। पर हम रिएक्शन वीडियो जरूर बनाएंगे इसके ऊपर और अपनी राय देंगे, और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना कि आप क्या लगता है आपको कि खुशबू पांडे जी सही है या गलत है, डॉक्टर जाकिर नायक कितने सही है वीडियो के अंदर। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग एंड तक जरूर देखना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्द हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। लाइक करना और कमेंट कर देना, हमें बताना अपनी राय, और फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आयत नंबर 26 में क्यों लिखा हुआ है काफिरों को मारो? कौन है ये काफिर? काफिर हम है। आपके कुरान में लिखा हुआ है आयत नंबर 26 में, जिस पे विवाद आज भी हो रहा है। आप जाइए अपना कुरान पढ़िए, अपने कुरान को सुधारिए, उसके बाद हमसे बात करिएगा। गलत होंगी तो अभी इस्लाम धर्म को कबूल करूंगी। कि ऐसा माना जाता है क्या इस्लाम में कि जो इस्लाम को ना माने या जो काफिर है उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसके फैमिली को लूट लिया जाए? क्या ये किस हद तक सच है, और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं? माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। वो कहता है कि मुझे ये गलत फहमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसने मारा काटा? मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं है लिखा हुआ या नहीं? वेरी गुड। ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते, मिसाल के तौर पे अरुण शौरी का नाम सुने? अरुण शौरी जो मिनिस्टर था चंद साल पहले, बहुत किताब लिखता है इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पस मंजर के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम के क्रिटिक उछालते वो इस सूरह तौबा की आयत सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुशरिक मक्का के, उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं, 4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्फा, सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में, तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में, सिपा सलार, वो थोड़ी कहेगा दुश्मन आए तो भाग जाओ, वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। तो ये जंग के मैदान की आयत है कि आप जब देखेंगे तो डरो मत, मारो। जंग के मैदान में जब काफिर तुम्हें हमला करने आ रहे, मारो। और अरुण शौरी आयत नंबर 5 से उड़ी मारते आयत नंबर 7 में, उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास इस्लाम के खिलाफ। आयत नंबर 5 से जब मारते आयत नंबर 7 पे, 5 के बाद क्या आता है? 6 को खा जाते। क्यों? 6 में उसका जवाब है, उसके बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में सूरह तौबा के अल्लाह ताला फरमाते कि अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे ऐसी अमन के जगह पर महफूज पहुंचाओ। क्या कहता है अल्लाह ताला? अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, अमन चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे संभाल के हिफाजत के साथ महफूज जगह पे जाके छोड़ो। एस्कॉर्ट हिम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी,
आज का सिपा सलार सबसे दयालु क्या बोलेगा दुश्मन को जान दो। यहाँ अल्लाह ताला के सिर्फ छोड़ो मत, ऐसी जगह पे लेके जाओ हिफाजत के साथ जहाँ वो महफूज है, समझ रहा। तो ये कुरान के आयते तो इन लोग पसे मंदर के खिलाफ कोट करते, और जहाँ भी जिहाद के आयते जंग के मैदान में जब आप मिलते गैर मुस्लिम से वो आपको कतल करने आ रहे, कतल करो। उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद 61 में लिखा है अमन बेहतर है। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते, कितने हजारों, कुरान से कई ज्यादा। तो महाभारत जानते हैं आप ना, जब मैं हिंदू से पूछता हूँ महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता है। के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात, धर्म युद्ध है बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है, बातिल के खिलाफ है, वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूँ कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना, धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत गीता जानते, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45 उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास, पांडवास 5 भाई कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्ता मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद चंद श्लोक बाद भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते, ए अर्जुन तू बुजदिल कब से हो गया, ये गलत ख्याल तेरे दिल में आए कैसे, तू नपुंसक कैसा हो गया। इंपोर्टेंट, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, इंपोर्टेंट नपुंसक। कौन कह रहा है, श्री कृष्ण अर्जुन से, बुजदिल कब से हो गए, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं, एतराज करते इस्लाम के दुश्मन क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में किताब जिहाद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में, और अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मजहब है, लड़ने पे कत्ल करने पे जन्नत जाएगा, गलत मजहब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37, 37 श्री कृष्ण कहते अर्जुन से ए अर्जुन उठ के लड़, अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा, अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे, तो ये मिस्टेक नहीं निकाल रहा मैंने, कब का आप निकाल रहे भाई, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो, ये कहाँ नहीं लिखा है, ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को काफी मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या, छोड़ते थोड़ी थे, ये गलत फहमी है, आप समझे ना। तो गलत फहमी है कि जहाँ भी काफिर मिले कत्ल करो, ऐसा नहीं, ये जंग के मैदान में जब आपको लड़ने के लिए आ रहे आपको मारने के आ रहे तो आप उनको मारो, ये है। यस, वाकई देखिए डॉक्टर जाकिर नायक का कितना प्यारा रिप्लाई है इसके ऊपर, और कंप्लीट खुशबू पांडे जी ने जो कही है बात वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है और एक पर्टिकुलर लाइन है।
जैसे कि हर वीडियो के अंदर होता है, छोटी सी क्लिप अगर आप उठा के वीडियो के अंदर डाल रहे हो और वीडियो के रूप में उसे दिखा रहे हो और उसे पूरा नहीं दिखा रहे हो, आगे पीछे का एडिट करके या काट के बातें बता रहे हो, तो वो डेफिनेटली आधी अधूरी बातें तो बिल्कुल रॉन्ग होती है, गलत होती है। तो इसी के अंदर, इसी की वीडियो के अंदर डॉक्टर जाकिर नायक ने पूरी बात बताई है कि 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है और उससे पहले क्या है, 1 से लेकर पढ़ना पड़ेगा। वो कंप्लीट आयत आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि वो किस वे में बोली गई है बात, वो जंग के मैदान में बोली गई है या किस वे में बोली गई है, उसके अंदर कंप्लीट लिखा हुआ है। लोग ऐसे बहुत से करते हैं, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करूंगा या मुस्लिम्स की बात नहीं करूंगा, ऐसा बहुत बार होता है कि एक पर्टिकुलर चीज को उठा के आप पर्टिकुलर पार्ट को एडिट करके निकाल रहे हो या पर्टिकुलर चीज को पूरी की पूरी आयत है, पूरे का पूरा पैराग्राफ है, उसके अंदर से अगर आप एक लाइन उठा लोगे तो कि ये वाली लाइन ये गलत है, इस तरीके से वो गलत ही लगेगी आपको। आपको इसीलिए कंप्लीट देखना पड़ेगा, वीडियो को भी और पैराग्राफ को भी कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत ही प्यारा रिप्लाई है, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर। मैंने अपनी राय आपको बता दी है, लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।